चार दिन बाद बजट पेश होने वाला है। बजट को लेकर आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री तक बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं। आज हम आपको बता रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स बजट से क्या चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल सेक्टर की। रिटेल कंपनियों की सबसे बड़ी मांग, जीएसटी तो लागू हो चुका है लेकिन कई और ऐसी मांगे हैं जिसे रिटेलर्स इस साल बजट में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। क्या है वो मांगे, देखिए इस रिपोर्ट में। मार्केट में फिर से डिमांड लौटने से रिटेल कंपनियां खुश हैं। अब वो चाहती हैं कि बजट में ऐसे उपाय किए जाएं जिससे लंबी मियाद में सेक्टर का भला हो। सबसे बड़ी मांग ये है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश नियमों में राहत दी जाए, रिटेल सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिले। एफएमसीजी की तरह रिटेल कंपनियां भी वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने पर इंसेंटिव चाहती हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार से रियायत की मांग है। सेक्टर की बेहतर ग्रोथ के लिए रिटेलर्स सेविंग की तरह खर्च पर भी टैक्स छूट देने की डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी सिंगल ब्रांड में कुछ काम किया है तो मल्टी ब्रांड पर भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ होगा। हम लोग तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एनकरेज करे, स्पेंडिंग के ऊपर कंसेशन देवे। जैसे सेविंग्स पे कंसेशन थे, मैं समझता हूँ कंजम्पशन से इंडिया की ग्रोथ हो सकती है, तो सेविंग्स को अगर एनकरेज करें, स्पेंडिंग को एनकरेज करेंगे तो इंडिया की जीडीपी बढ़ सकती है। रिटेल सेक्टर से जुड़ी कई और भी मांगे हैं जो सीधे तौर पर बजट से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन रिटेलर्स चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे। जैसे जीएसटी में कंप्लायंस की दिक्कतें दूर हों और रिफंड आसान बने। रिटेलर्स चाहते हैं कि बैंक कंप्लायंस कंज्यूमर्स के बिल में एचएसएन कोड की शर्त खत्म हो, छोटे रिटेलर्स के लिए फाइनेंसिंग की दिक्कत दूर हो, किसानों से सीधे खरीद हो सके, इसके लिए एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर बिचौलिए दूर किए जाएं, टूरिस्ट को विदेशों की तर्ज पर जीएसटी रिफंड मिले, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह है उसको थोड़ा रिलैक्स करें, और एफडीआई की जो पॉलिसी है उसे क्लियरली डिफाइन करें जिसमें कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई धोखा न हो। रिटेल सेक्टर की देश की इकोनॉमी में 10% हिस्सेदारी है जबकि देश में 8% नौकरियां इसी सेक्टर से आती हैं। रिटेल स्पेस के मामले में भारत दुनिया का हर लिहाज से सेक्टर की अहमियत को देखते हुए रिटेलर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर गंभीरता से गौर किया जाएगा। हैदराबाद से प्रसाद भोसीकर के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।